नमस्कार दोस्तों, जय मैकेनिक। आज हम बताएंगे, मेरे दोस्त मेरे सामने एक पैशन एक्स प्रो है और इसमें डिस ब्रेक बहुत जाम चल रहा है। इतना जाम देखिए मेरे दोस्त, यानी अगर हम पैर से घुमाएं यानी घूम नहीं पा रहा इस तरीके से, समझिए मेरे दोस्त, यानी ये बिल्कुल जरा सा भी घूम नहीं पा रहा। अगर हम आपको थोड़ा सा दिखा ना पाए चाहें तो, यानी देखें मेरे दोस्त, मेरे दोस्त देखिए, यानी बहुत ताकत लगा के तब यानी घुमा पा रहा है। ठीक, ये समस्या है और इस समस्या से बहुत सारे लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम आपको सिंपल और आसान तरीका बताएंगे कि आप मैकेनिक भाई, बहुत सारे लोग टाल देते हैं, हम नहीं होगा या पूरा कैलीपर चेंज होगा, इसको क्या जुगाड़ है उसके विषय हम बताते हैं कि आप अपने घर में कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमको ये खोलना पड़ेगा, इसके सारे पार्ट खोलना पड़ेगा, दिखाते हैं आपको। मेरे मित्र, क्या करना है, इसकी ये पिन निकालना है। पिन निकालने के लिए सिर्फ यहाँ से कोई पतले पेचकस से यहाँ ठोक देंगे तो निकल आता है, बस और कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, सिर्फ ठोक देते हैं निकल आता। हाँ देखिए मेरे, यहाँ पर थोड़ा सा ये पिन में लॉक होता है, निकल गया आराम से। ठीक है, तो इस तरीके निकल गया। अब क्या करना है, इसको ये दोनों पिस्टन दबा दबा के निकालते हैं मेरे दोस्त। देखिए, चलाइए भैया, ये चला चला के इसको धीरे धीरे पिस्टन को बाहर निकल आता है। ठीक, देखिए चला रही भैया, इतना यानी लगभग निकल आता है। ठीक, और फिर ऑयल डालेंगे तो ऑयल से निकलेगा, लेकिन क्या है कि ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है हमको, तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास जो आउटर प्लास होते हैं, उल्टा वाला प्लास आउटर प्लास होता है, वो खराब हो जाता है। जब खराब हो जाता है, इसको हम थोड़ा सा बाहर को मोड़ देते हैं इस तरीके से, यानी इसको, इसकी डंडी को इधर झुका दिया, इसकी डंडी इधर झुका दिया। ठीक, यानी ये फैल गया आगे से। ठीक है, तो अब ये क्या है कि अंदर जाके पकड़ देगा, तो हम पिस्टन को इससे पकड़ के तब निकालते हैं। मेरे दोस्त देखिए, अंदर डाला इसके, और देखिए ये इसमें क्या होता है मेरे मित्र, यानी अंदर कुछ भी खराबी यानी कुछ भी स्क्रैच आ जाए, लेकिन बाहर स्क्रैच नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से आपको आराम से प्यार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वो वाला निकल गया, उसी प्रकार से ये निकल गया। ठीक, अब इस ब्रेक आयल को हम थोड़ा सा संभाल के रख लेते हैं। मेरे मित्र, क्या होता है, सिर्फ ये जो देखिए मेरे पास ये पतला सा पेचकस है, और इसको खोलने के लिए एक आपको यहाँ पर जो बोल्ड लगे होते हैं, 12 नंबर के बोल्ड लगे होते हैं। ठीक, भाई हमने तसला रख लिया तसले में, यानी हम इसको रबड़ इसकी निकाल निकाल करके तो हम रखते जाते हैं। ठीक है, वैसे मेरे मित्र, हमने इससे पहले हमने वीडियो बनाए हैं डिस्क ब्रेक के लिए, लेकिन क्या होता है कि जब आपकी बाइक हीरो की है तो आप ये नहीं देखेंगे, आप अपनी बाइक का नाम लिख करके तब फिर बोलते हैं, तो वो नहीं आता वीडियो। ठीक, हमको क्या करना है, रबड़ निकाल लिया, अब रबड़ निकाल करके इसके चारों बिल्कुल अच्छे से, मेरे दोस्त देखिए, यहाँ पर जो दिख रहा है ये इस जगह बढ़िया चारों ओर बढ़िया से साफ करना। ठीक है, बस, तो मेरे मित्र आप समझिए, इसी जगह हमको अच्छे से साफ करना है, और इस तरीके से साफ करना है, और हमको इसके साथ साथ क्या है कि अगर ये कभी आपको करना है तो आप तार ले लो कोई, और तार पतली सी और इधर टेढ़ी करके, यानी टेढ़ी करके इसके चारों ओर से, यानी इस साइड भी यानी अच्छे साफ हो जाए। जब ये अच्छे से चारों ओर साफ होगा, यानी ये चारों ओर, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कार्बन कचरा इसी के अंदर भर जाता है, यहाँ रबड़ होती है, रबड़ के पीछे पीछे साइड भर जाता है अक्सर, तो उसको जब हम अच्छे साफ कर देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, और नहीं तो पहिया जाम चलता है। मेरे मित्र, हमको क्या करना है, लाइट चली गई, बहुत अंधेरा है, क्या करना है, ये वाले ब्रश से इधर और इधर चारों तरफ बिल्कुल बढ़िया से साफ करना है। ठीक, और हमने इसको काफी देर तक साफ कर दिया क्योंकि लाइट चली गई थी, अब हम इसको पानी से बिल्कुल सारे पार्ट को धुल लेना है, धुल करके तब आपको दिखाते हैं कैसे बांधना है, यानी यहाँ पर जरूर साफ करना, इधर और इधर चारों तरफ, बस यही मेन इसमें इसी कारण से होता है प्रॉब्लम। ठीक है मेरे मित्र, क्या करना है, इसको हम धुल दिया। ठीक, धुल करके इसको हमें रबड़ लगाना है। ठीक, रबड़ लगाने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा ब्रेक आयल इसमें लगा लेते हैं, रबड़ में थोड़ा थोड़ा ब्रेक आयल लगा लेते हैं, जब आयल लगा लेते हैं तो थोड़ा सा बिल्कुल ये
आराम से लग जाता है। ठीक, और हमने और भी गाड़ी का बनाया है, सब ऐसे तरीका होता है, लेकिन हमने आपको एक बात बताई कि आपकी गाड़ी अगर हीरो की है तो आप अदर गाड़ी का नहीं देखते, आप उसमें चाहेंगे कि मेरी बाइक हीरो की है तो हीरो का ही हमको वीडियो मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, इसलिए हमने अलग अलग बाइक का हमने वीडियो बनाना चाहा कि जो हीरो वाले भाई लोग हैं वो हीरो वाले देखें, जो बजाज की बाइक है जिनके पास बजाज की देखें। ठीक है, तो ये आप समझिए चारों तरफ से ऐसे ब्रेक आयल लगा लगा करके ऐसे बैठाना है। ठीक है मेरे दोस्त, देखें चारों ओर बैठ जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए इस पे लगा करके चारों ओर उंगली लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगी बैठी कि नहीं बैठी। ठीक, ये देख लेना, फिर उसके बाद आपको यानी इस तरीके से प्यार से बैठाना है। ठीक है, उसी प्रकार से मेरे दोस्त दूसरे वाले को भी ठीक है। अब इसको हम बांध करके तब दिखाते हैं। मेरे मित्र यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा हल्की सी ग्रीस लगा लेने से यहाँ की ये राड जाम ना हो, कभी कभी जाम हो जाता है। ठीक, ऐसे लगा दिया और यहाँ एक टेंशन पत्ती है, लेकिन टेंशन पत्ती इसमें है नहीं और इस समय अभी नाइट है और दिन में हम फिर लगा लेते हैं। तब अब हम इसको बांधते हैं, दिखाते हैं आपको एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक, इसकी पिन लगाते हैं, पिन ऐसे तो देखिए ऐसे लॉक हो गया। ठीक, हमारे मित्र क्या है, इसको देखिए इस तरीके से देखिए ऐसे लगा देते हैं। ठीक, यहाँ दो बोल्ट 12 नंबर के हैं, इसको लगा लेना है। मेरे दोस्त, इसको हमने टाइट करके 12 नंबर पाना है, यहाँ पर भी 12 नंबर पाना है। तो मेरे मित्र देखिए क्या करना है, इसमें ऑयल डाल देना है, ऑयल क्योंकि चला जाता है। ठीक, और फिर देखिए ये जैसे इसके बुलबुले निकल रहे हैं, धीरे धीरे निकलेंगे। ठीक, और निकलेंगे जब इस पे धीरे धीरे एयर निकल जाएगी तब फिर ये काम करेंगे। ऑयल भी कम है और डालते हैं तब दिखाते हैं आपको। मेरे मित्र, इसको थोड़ा देर तक चलाना पड़ता है, जिस बुलबुले निकल रहे हैं थोड़ा देर तक चलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रेशर बन जाएगा। ठीक है मित्र मेरे यानी इसमें ऑयल डाल दिया और धीरे धीरे चलाते चलाते थे इसमें प्रेशर बन गया। प्रेशर ऐसे नहीं बना मेरे दोस्त, प्रेशर बनाने के लिए यहाँ से चलाते गए और वहां से फिर एयर निकाल दिया फिर इसका प्रेशर बन गया। तो आप समझिए इस तरीके से कर दिया, सही हो गया। अब देखिए बिल्कुल टाइट हो गया। ठीक, अब हम यहाँ ऑयल डाल के तब बांध के तब दिखाते। मेरे मित्र, इसमें क्या होता है, ज्यादातर .4 ही ऑयल यूज किया जाए तभी ज्यादा बेस्ट रहता है। .4 में ज्यादा शिकायत नहीं है और .3 में थोड़ा शिकायत आती है, उसमें कार्बन जल्दी पकड़ता है। थोड़ा और ऑयल डालिए भैया, मुझे .4 हमेशा डालें और ऑयल डाल करके इसमें अब रबड़ लगा के टाइट कर देते हैं। मेरे मित्र, क्या हुआ कि जब वहां से प्रेशर थोड़ा बनने लगा तो हमने क्या किया, इसको जैसे ढीला कर दिया। ठीक, ढीला करते ही क्या होता है, जैसे पहले इसमें एयर निकलेगी फिर उसके बाद ऑयल निकालना चालू होगा, जैसे अभी ऑयल निकालना चालू होगा, तो हम इसको टाइट कर दिया। ठीक, अब बिल्कुल ये टाइट हो गया है। ठीक, अब बिल्कुल टाइट हो गया और इधर प्रेशर बन गया। ठीक भैया, इधर मेरे दोस्त प्रेशर बन गया। ठीक, अब यहाँ पहिया चला के तब दिखाते हैं। अब मेरे मित्र देखिए, अब इसका पहिया देखिए, ब्रेक लगाइए भैया, देखिए लगाइए भैया, देखिए मेरे दोस्त देखिए बिल्कुल फ्री हो गया ना, बिल्कुल। आप समझिए मेरे मित्र, थोड़ा वीडियो साफ सुथरा नहीं है, अच्छा नहीं, लेकिन हमने आपको जो डिटेल में वीडियो बताया है, यानी इस तरीके से आपकी बाइक है तो आप अपने घर पे आराम से कर सकते हैं, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं। और ये मैकेनिक भाई लोग, बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग समझदार होते हैं और वो करते हैं। तो इसलिए मेरे पास जो भी जानकारी बताना चाहे, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।